वेलकम बैक। मैं फिल्म्स क्रिटिक्स के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए बनाता हूँ। ये इनका फेवरेट डायलॉग है एंड आफ्टर 3 बैक टू बैक हिट्स दिस डायरेक्टर कैन से इट विद प्राइड। अभी नहीं समझे तो खुद देख लीजिए क्योंकि आज साजिद खान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। साजिद, वेलकम टू बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच प्रीति। 3 फिल्मों का हैट्रिक हो गया है आपका विद हाउसफुल 2। So that's definitely a thumbs up. So how does it feel कि पहली बार ये एक्टर लेड नहीं, ये क्रेडिट सीधा डायरेक्टर को जा रहा है for 100 करोड़ मार्क। हाउसफुल 2 मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस फिल्म में मैंने पूरी तरह से जितना भी मैंने टेलीविजन पे ओवर द ईयर्स एज अ होस्ट एंड दोस्त मेरे जो गैग्स, वन लाइनर्स, कैरेक्टराइजेशंस, ऑल दैट I put all that into this film because I wanted to have fun. मुझे ऐसा लगा था कि हाउसफुल 1 वॉज अ ब्लॉकबस्टर बट उसका क्लाइमैक्स लोगों को पसंद नहीं आया। सो आई वर्क इन रिवर्स ऑन हाउसफुल 2। आई सेड आई एम गोइंग टू गो इन फॉर एन ऑल आउट क्रेजी क्लाइमैक्स इन दिस फिल्म एंड आई वर्क इन रिवर्स एंड आई ऑलवेज न्यू के पिक्चर सुपर हिट होगी। लाइक माई नेक्स्ट फिल्म हिम्मतवाला, वो हाउसफुल 2 से बड़ी सुपर हिट होगी। आज बोल रहा हूँ मैं आपको। Well, आपके नेक्स्ट ईयर जब बैठेंगे तो you'll be saying अब इनकी 4th फिल्म हिट हो गई है, अब क्या कहना है इनको। आपका यही अंदाज है जिसकी वजह से आप भी क्रिटिक रह चुके हैं, तो आप मानते हैं कि उनका व्यू पॉइंट भी बहुत मायने रखता है, स्पेशली जब आज एक फिल्म नहीं वीकेंड का बिजनेस बन के रहे। नहीं, क्यों नहीं? कौन बोला? अगर वीकेंड का बिजनेस होता पिक्चर का तो 3rd वीक में आप हाउ डू यू टॉक अबाउट रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस ऑफ हाउसफुल 2 और मोस्ट ऑफ द हिट्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द 100 करोड़ मार्क। अच्छी फिल्म कभी भी चलेगी, कहीं भी चलेगी। बुरी फिल्म खाली वीकेंड को चलेगी। तो कहीं आप ये नहीं समझते कि जो क्रिटिक्स का व्यू पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं डैम्पन कर सकता है एक स्टोरी को? नहीं, किसी की मेहनत डाउन द ड्रेन क्रिटिक्स के व्यू पॉइंट की वजह से जा सकती है? नहीं। 95% क्रिटिक्स जो इंडिया में हैं उनको फिल्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हे बेबी का पहला रिव्यू पढ़ा था मैंने और उसके बाद मैंने आज तक मेरी एक फिल्म का एक रिव्यू नहीं पढ़ा। मैंने अपने पूरी टीम को, असिस्टेंट्स को, एक्टर्स को, फ्रेंड्स को, यहाँ तक कि मेरी ओन सिस्टर फारा को ये कहा है कि मैं रिश्ता तोड़ दूंगा अगर कोई मुझे SMS या ईमेल भेजेगा 4 स्टार 5 स्टार या 1 स्टार रिव्यू का। मैं एक रिव्यू नहीं पढ़ूंगा। आप कौन होते हैं मेरी पिक्चर को जज करने वाले? मेरी पिक्चर जज होगी ऑडियंस के, ऑडियंस जज करेगी जो अपना हार्ड अर्न मनी डाल के today it's almost a small fortune to go and watch a film in a multiplex with your family. So you have to give them a reason कि वो जब थिएटर से बाहर निकलें तो they have a big smile on their face और यार आज अच्छी पिक्चर देखी। वो मेरा दावा है। तो क्रिटिक्स अपने आप को मीडिएटर समझते हैं, right? Between the audience and what you've created. देखिए क्रिटिक्स की क्रेडिबिलिटी 50% साजिद खान ने खत्म कर दी। खत्म कर दिए। आज ऑडियंस और मेरे बीच में क्रिटिक्स आते ही नहीं है। ऑडियंस को भी पता है कि साजिद खान की फिल्म देखने जा रहे हैं, हमें मजा आने वाला है और बैड रिव्यूज आने वाले हैं। टुडे बाय एंड लार्ज जूम टीवी जो हमारा ये चैनल लोग देख रहे हैं, इसके जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से 10% लोग बोल रहे होंगे ये इडियट अपने आप को क्या समझता है, क्या बात कर रहा है। 90% लोग बोल रहे होंगे ही इज राइट। वो मेरा और क्रिटिक्स का बहुत पुराना पंगा है जो मेरी नेक्स्ट पिक्चर हिम्मतवाला को भी इफेक्ट करेगा और उसमें 75% क्रेडिबिलिटी में क्रिटिक्स की खत्म कर दूंगा। 100 करोड़ का बेंचमार्क जो अब एक नया इंडस्ट्री में बन गया है, इट्स काइंड ऑफ सेटिंग अ ट्रेंड, बट कितनी डिजर्विंग हैं ये फिल्म्स आपको लगता है? क्योंकि आजकल तो बहुत आसानी से 100 करोड़ का फिगर हमें सुनने को मिलता है। सुनने को नहीं मिलता है। देखिए 100 करोड़ का बिजनेस, इसका ये मतलब है कि 200 करोड़ का बिजनेस हुआ है बिकॉज 50% टैक्सेशन में चले। नेट की बात करें, हाँ, उसमें से 50% डिस्ट्रीब्यूटर शेयर होता है। आज फिल्में बहुत एक्सपेंसिव प्रपोजल हो गए हैं, फिर भी 90% पिक्चरें फ्लॉप होती हैं साल में। तो 100 करोड़ का बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करें तो देयर आर फिल्म्स जिन्होंने वो मार्क तो क्रॉस किया है बट शायद सबको इतनी पसंद नहीं आई। आई टेल यू रावण 115 करोड़ बट सी रावण हैड सच अ ह्यूज वीकेंड जस्ट लाइक तीसमार खान एंड रावण एक्चुअली हिट फिल्म है, आपको पता ही है। हमको ऐसा लगता है कि फ्लॉप है, फ्लॉप क्योंकि जब ऑडियंस बाहर निकलती है तो बोलते हैं बकवास है, फ्लॉप है, फ्लॉप। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। तीसमार खान ने 62 करोड़ का बिजनेस किया 2010 में। इट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ सेमी हिट टू हिट। सेमी हिट मतलब कुछ कुछ टेरिटरीज में इसका पैसा आधा रिकवर हुआ है और कुछ कुछ टेरिटरीज में पूरा रिकवर हुआ है, लॉस कहीं नहीं हुआ है। रावण को हिट का टैग मिलता है 115 करोड़, लेकिन अगर रावण अच्छी पिक्चर होती तो शायद वो 150 करोड़ करती, 180 करोड़ करती। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए इतनी सारी फिल्में इतने सालों से सुपर हिट हुई है लेकिन सिर्फ 10 फिल्में 100 करोड़ के बिजनेस कर चुकी हैं अब तक। एंड आई थिंक अब एकता टाइगर आएगी, आई थिंक दैट विल क्रॉस 100 करोड़। मुझे तो ऐसा लगता है दबंग 2 विल क्रॉस इवन 200 करोड़। व्हाट अबाउट योर स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स? वी ऑल नो आपने बोला एक साजिद खान स्टाइल है जो एक कंफर्ट जोन बन चुका है, वो हम देख रहे हैं और हिम्मतवाला में भी शायद देखने को मिलेगा हमको आगे। बट वुड यू एवर कंसिडर कमिंग आउट ऑफ दिस सेफ जोन? What is a safe zone? I'll make an out-and-out love story in the next 5 years, I'm telling you. And it'll be one of the best love stories ever. But it'll be a blockbuster. Itna simple. इतना सिंपल भी नहीं है, कहना ज़्यादा आसान है जैसे आप कह जाते हैं, और इतनी आसानी से आप ये भी बोल जाते हैं अपनी रिलीज से पहले कि ये इतना रिकवर कर लेगी। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? मुझे फिल्मों से प्यार है बचपन से। आप कौन होते हैं और क्रिटिक्स कौन होते हैं मेरे और फिल्मों के बीच में आने वाले? आपको जितना आपका गूगल का नॉलेज है ना, गूगल, उसको मैं 3 सेकंड के अंदर बीट कर सकता हूँ। पूछिए मुझे, मैं बोलूँगा आपको। मैंने हर एक फिल्म जो थिएटर में देखी है बचपन से, उसकी टिकट कलेक्ट की। आई लव फिल्म्स। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी फिल्में बनी हैं, मेरी 41 की एज है, मे बी आई डाई एट 50, मे बी आई डाई एट 60, आई नॉट बी एबल टू कवर अप। कितनी सारी फिल्में आउट देयर जो मैंने नहीं देखी है। मैं दिन में 3 फिल्में देखता हूँ, मेरी गाड़ी में होम थिएटर है, एंड आई लव फिल्म्स। द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स मी फ्रॉम वॉचिंग 3 फिल्म्स इन अ डे इज व्हेन आई एम मेकिंग फिल्म्स, यू नो। बट उसमें भी मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ, सुबह 6 बजे 7 बजे सेट पे पहुँचता है, तो मैं एक DVD चालू कर देता हूँ कि चलते रहे। People listen to music or they listen to soothing music in the morning. I put on movies. Well, Sajid, it was really entertaining to have you here as always. आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और वो दिखता है. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much.